लग गया, बोला था ना मैंने कि छिल जाएगा। चला बा देखना। देखा पूरा जमीन में जाके घुस गया। बाय गॉड इतना घुस गया पूरा जमीन के अंदर में, तो अगर इंसान के पेट में जाएगा तो फिर, इसीलिए मतलब कहते थे कि लाइक उस टाइम पे ये उस टाइम का बंदूक है ये। जोहार करे थे तो दोस्त बिरसा मुंडा जैसे क्रांतिकारी जो लोग रहते थे, जो तीर धनुष से लड़ाई करते थे, तो आज वही जो तीर धनुष होता है उस टाइम का, ये बांस की बनी हुई है, ये ज्यादा पीछे नहीं जाएगी, लेकिन आपको इसको पीछे लेके जाना है। जो भी क्रांतिकारी होते थे उस टाइम पे, वो लोग पूर्वज लोग जो भी है, वो लोग इसको पूरा खींचे पीछे ले जाते थे, मतलब पूरा ये एरो बन जाता है। देखो फिर से खींचो तो, ओ गजब, रुक जा मैं खींच के ट्राई करता हूँ कितना दूर तक मैं खींच पाता हूँ। हाँ ऐसे तो आ रहा है, ये मैं अभी करेक्टली खींच पा रहा हूँ इसको, लेकिन जब तीर लगाते हैं ना तो ये अच्छे से नहीं हो पाता है। अभी मैंने खींच दिया है, देख लो आप फेल हो गए आप। ओह जी, ओह लग गया, बोला था ना मैंने कि छिल जाएगा। ओह ऐसा मतलब कब छिलता है, हम ऐसे पकड़ के खींचते हैं तो ये जो होता है ना, ये इसके हाथ पे ही होता है। उसके बाद इधर बहुत सारी रस्सियाँ होती है और बांस के बहुत सारे ऐसे ऐसे कांटे होते हैं, तो मतलब लाइक जब ये खींचते हैं और यहाँ से छूटता है ना, तो यहाँ पे आपके हाथ जो है वो छिल सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे थोड़ा सा रिस्की रहता है, मतलब लोग पता नहीं कैसे एकदम धड़ाधड़ तीर चलाते थे। इसके बाद में बता दो, ये जो तीर है कबूतर वगैरह का, मतलब किसी पक्षी का पंख होता है, जिसको यहाँ पे आप देखेंगे ये खत सा बना हुआ है, ये लोहा इतना नुकीला है कि मतलब अगर ये इतने स्पीड से आती है और अगर चलती है तो पेट में अगर जाती है तो ये पूरा छेद कर सकती है। ये बिल्कुल मुड़ भी नहीं रहा, ये बिल्कुल कड़ा होता है। यहाँ पे एक धागिस बनी हुई है और यहाँ पे एक धागिस बनी हुई है, यानी कि तो यहाँ ये सेंटर है आपका। पहले भी चला चुके हैं? हाँ बहुत पहले। ओ अरे गा घुस गया ये घुस गया, देखो यार पूरा जमीन में घुस गया। मतलब मैंने आपको कहा था कि इसका जो लोहा है वो मुड़ता नहीं है, कितना स्ट्रांग होता है। आप देखो इस तीर को, ये पूरा जमीन में जाके घुस गया। बाय गॉड इतना घुस गया पूरा जमीन के अंदर में, तो अगर इंसान के पेट में जाएगा तो फिर, इसीलिए मतलब कहते थे कि लाइक उस टाइम पे ये उस टाइम का बंदूक है ये। देखते लंबा मारने की कोशिश करते। हाँ काफ़ी यूनिक है और मतलब रियली कह लो कि उस टाइम का गन है और काफ़ी स्ट्रांग है, इसको हर कोई नहीं चला सकता है। लाइक मतलब जो एक्सपीरियंस थे वो भी चला रहे थे तो पास तक जा रहा था, बट इसे दूर दूर लोगों के साथ निशाना लगाया जा सकता था, बट बहुत सेफ्टी से, लाइक मतलब हाथ वगैरह भी छिल जाते बिकॉज ये पूरा बैम्बू का बना होता है। बहुत टफ है चलाना, बहुत टफ है, एक खिलौने जैसा बिल्कुल नहीं है। ये धनुष कैसे मिला, बेसिकली शादी में एक रस्म होती है जिसमें दूल्हे को थोड़ा चला करके उसको दिखाना होता है, उसको ट्रायल मतलब जिसको नहीं आता उसको थोड़ा बताना भी होता है। आप चला लो ये चाचा, चला लेते हैं, चलाइएगा जरा, एक चलाक दिखाइए तो। हाँ देखते हैं, हमारे जो बुजुर्ग उस जमाने से हैं, मतलब लाइक हमारे एक दो पीढ़ी आगे, तो दादाजी है वो अभी चला के दिखाएंगे ये कैसे चलता है और वो बताएंगे। ओह अभी जो इनको चलाना आता है उनके साथ हम अभी देख रहे हैं। इसको ऐसे पकड़ता है, इसे पकड़ते हैं, इसे पकड़ना होता है। ओके ओके इसे, ओह इसीलिए पकड़ने का ही टेंशन था। हाँ ऐसे ऐसा है ना, ऐसे पकड़ना होता है। ओके 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 चला बा देखना। देखा काफी दूर गया, मतलब लाइक पूरा टानेंगे तो बहुत दूर जाएगा, बहुत दूर जाएगा, मतलब आधा ही टाना लेकिन पूरा दूर गया। अभी अगर बहुत ज्यादा जोर से खींचेंगे तो काफी दूर तक ये जा सकता है। हम लोग चलाते थे
लेकिन बहुत अच्छा लगा मतलब सब लोग के साथ मिल करके नया नया एक्सपीरियंस करने को। बहुत दूर चल जाएगा। हाँ दूर चल जाएगा। इतना मारेगा ना हाँ। टांग के छोड़ वो बांस तक चला जाएगा। जो आप बांस देख रहे हो ऊपर मतलब लगभग बहुत दूर है, उतना दूर तक जा सकता है। अच्छा अच्छा, अगर ताकत लगाया जाए तो काफी दूर मतलब मीटरों दूर तक जा सकता है, मतलब जैसे आप फिल्मों में देखते हैं। बहुत अच्छा लगा अंकल आपने बताया, रियली आई लाइक इट। अगर कोई आप में से ऐसे लाइक पुराने टाइम का जो धनुष होता है अगर वो आपने चलाया है तो प्लीज कमेंट करें कि हाँ मैंने चलाया है। आई वुड लव टू नो दैट कितने लोग हैं जो ये धनुष चलाए हैं। और भाई साहब दूसरी वीडियो लेके जल्दी आएंगे। और थोड़ा भाई साहब थोड़ा इंतजार करिए।